हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। अब हम लोग पार्ट नंबर 17 पे आ गए रशियन रेवोल्यूशन के। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था सिविल वॉर हुआ, बोल्शेविक्स ने प्रोसारिस्ट जो ग्रीन्स बोले थे जो सार के साथ थे और सोशलिस्ट को हरा के, ठीक है, खुद पावर में पूरा कंट्रोल कर लिया रशिया पे 1920 तक, है ना। 1920 में पूरा कंट्रोल बोल्शेविक्स का किस पे आ गया था, रशिया पे आ गया था। अब रशिया में काम करना चालू हुआ बोल्शेविक्स का मेन, तो एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई, बैंक्स और इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, लैंड को पीजेंट्स में बांट दिया। अगली आप लोग हेडिंग डालेंगे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। क्या हेडिंग डालेंगे? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, CENTRALIZED PLANNING, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देखिए क्या है, मैंने आप लोगों को हो सकता है पहले कभी डिस्कस किया हो, 5 ईयर प्लान्स होते थे इंडिया में पहले, है ना। हम 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ, सरकार बनी, तो हमने 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की थी। 5 ईयर प्लान्स मतलब, 5 ईयर प्लान्स मतलब कि जैसे हम आज ही बता देंगे, है ना, आज ही गवर्नमेंट बता देगी वो अगले 5 साल तक क्या करेगी, मेन मेन बातें, है ना, कि एग्रीकल्चर को कितना बढ़ाएगी, इंडस्ट्रीज़ को कितना बढ़ाएगी, कितनी जॉब्स देंगी, कोई योजना तो नहीं है जो बड़ी शामिल होने वाली नहीं, है ना। तो ऐसे कुछ 10-12 पॉइंट्स मेनली होते हैं इसमें और बताए जाते हैं कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, ये आपके 5 ईयर प्लान्स होते हैं। मैंने आप लोगों को अगर बताया होगा तो ये भी बताया होगा कि ये 5 ईयर प्लान्स रशिया से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? रशिया, इनको रशिया ने बनाना पूरे विश्व में स्टार्ट किया था। ये रशिया का आइडिया था कि 5 ईयर प्लान्स होने चाहिए, यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब कि प्लानिंग एक टॉप मोस्ट अधिकारी करे और नीचे वालों को, है ना, उनको उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बोले, वो 5 ईयर प्लान्स होते हैं। 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट बनाती थी, बिल्कुल पीएम इसके वो होते थे, प्लानिंग कमीशन आता था इंडिया में, ऐसे रशिया में भी बनाता होगा। तो जो वहाँ के पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट, जो भी हाई पोस्ट मानी जाती है, वो उसके हेड होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ऊपर से ये प्लान्स बन के आते हैं, है ना। तो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग आप लोगों ने हेडिंग डाला, इसमें लिखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया। ऑफिशियल्स मेड 5 ईयर प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया, फुल स्टॉप। ऑफिशियल्स OFFICIALS ऑफिशियल्स मेड 5 ईयर प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ऑफिशियल्स मेड 5 ईयर प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी। उन्होंने इकोनॉमी की स्पेलिंग ECONOMY, इकोनॉमी को सुधारने के लिए 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिए। 5 ईयर प्लान भाई, 5 की स्पेलिंग फिर YEAR और PLANS, 5 ईयर प्लान्स, 5 साल के लिए प्लान्स बनाना। जैसे आज हम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1950 में आज हम हैं, तो हम प्लान्स किसके लिए बनाएंगे? 1951 से लेकर 1956 तक के लिए, कि हम उन 5 साल में क्या करेंगे। 5 साल पूरे हो जाएंगे फिर नया प्लान बनेगा 1956 के बाद। तो ये चीज़ होती है सेंट्रलाइज प्लानिंग में, 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है। फिर लिखेंगे द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द इसमें करती क्या गवर्नमेंट, है ना, फुल स्टॉप लगाइए। मतलब इसमें क्या करती है, सॉरी, रशिया की गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, है ना। हर गवर्नमेंट तो एक ही बात करती है। रशिया ने किया द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। ड्यूरिंग द फर्स्ट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी 1927 से 1932 एंड 1933 से 1938। ये शुरू के दो प्लान से रशिया के लिए कौन कौन से हैं? 1927 से 1932, 1927 से 1932 और 1933 से 1938। ये दो 5 ईयर प्लान हैं। इसमें रशिया की गवर्नमेंट ने, जो बोल्शेविक्स इसको चला रहे हैं, उन्होंने जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स थे ना, उनके प्राइजेस फिक्स कर दी। क्या कर दी? फिक्स कर दी, ठीक है ना। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान। ईयर मैंने आप लोगों को लिखा दिया। फिर लिखेंगे सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ECONOMIC LED LED GROWTH। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग से क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई। फिर लिखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल कॉमा कोल एंड स्टील। इन द केस ऑफ ऑयल OIL कॉमा स्टील एंड कोल COAL, इन तीनों के मैटर में, कोल में, स्टील में और कच्चे तेल में, रशिया 100% ग्रोथ करा। यानी कि अगर मान लीजिए पहले 100 लीटर कच्चा तेल निकलता जमीन के नीचे से, अब 200 लीटर, पहले मान लीजिए 200 किलो कोयला बनता है, अब 400 किलो, यानी कि बिल्कुल डबल हो गया रशिया का प्रोडक्शन लेवल। तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग बहुत काम आई रशिया के, काम आई सक्सेसफुली, इसी वजह से पूरे विश्व ने भी इसको, मतलब विश्व चली छोड़िए, इंडिया ने भी इसको अपनाया था
और जगह भी आइडिया अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स की, हम 5 साल के लिए प्लान्स बनाए। एक तो ये काम किया बॉल्शेविक्स ने। दूसरा आप लोग हेडिंग डालेंगे स्टेटस ऑफ वर्कर्स, स्टेटस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के लिए क्या अच्छा किया है ना, स्टेटस ऑफ वर्कर्स। इसमें लिखेंगे स्टेटस, इसमें STATUS है ना, स्टेटस ऑफ वर्कर्स में लिखेंगे मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वर्कर्स वर, मेजर्स MESURES, मेजर्स टेकन TAKEN टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ वर्कर्स आर वर, सॉरी है ना, WERE पास्ट की बात है इसलिए वर आएगा। अब क्या है बात कि उस टाइम जो स्टेटस ऑफ वर्कर्स वो ख़राब था, हम लोगों ने रशिया में आगे पढ़ा। अब तो इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक जब सत्ता में आए तो इन्होंने रशिया के वर्कर्स के लिए कुछ किया होगा ना, क्योंकि आए इस वादे पे थे ना कि हम वर्कर्स के लिए कुछ अच्छा करेंगे, वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब है, उनकी वेजेस सही नहीं है, उनकी वर्किंग कंडीशन सही नहीं है। इन्होंने क्या किया देखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड SCHOOLING स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स फॉर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। देखिए स्कूलिंग सिस्टम अच्छा करा गया, एक्सटेंड करा गया, और पीजेंट्स या कोई फैक्ट्री वर्कर भी अगर आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए भी वो रास्ते खोले गए। आगे पढ़ाई लिखाई करेगा तो हो सकता है कल से अच्छा काम ढूंढ ले, है ना। कब तक आप एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहोगे या वर्कर एक मजदूरी करते रहोगे, है ना, वो भी एक लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड लोगों को ही रोजगार दे सकती है। तो एक तो ये अच्छी बात की गई, स्कूलिंग सिस्टम बढ़ाया गया। क्रीचेस वर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, क्रीचेस CREECHES, क्रीचेस वर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, इस्टेब्लिश ESTABLISHED। जो वीमेन वर्कर काम पे आती थी उनकी सबसे बड़ी समस्या पहले क्या थी कि हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़े, है ना, वो कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा, तो उसके लिए क्या किया बोल्शेविक्स ने, क्रीचेस खोल दिए। मतलब क्रीचेस देखिए आप लोगों ने सुना होगा क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए इसके पेरेंट में फादर और मदर दोनों कमाते हैं, एक छोटा बेबी है, तो उसके लिए क्रीच फैसिलिटी स्कूल्स वगैरह या क्रीचेस हाउस देते हैं। उसमें क्या होता है, जब शाम तक, मतलब जैसे सुबह वो स्कूल गया और दिन में 1-2 बजे स्कूल से आएगा, तो जब से लेकर शाम तक तक पेरेंट्स काम से नहीं आ जाते, वो उनके पास उन्हें रखते हैं, उसका खाना पीना दवाई ववाई सब वही करते हैं ना, फीस लेते हैं उसकी। तो ये चीज़ थी, क्रीच फैसिलिटी रहती है और रशिया में ये वर्कर्स को दी जाने लगी थी उस समय से। फिर लिखेंगे थर्ड, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, चीप CHEAP, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड कॉमा मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर मेड फॉर वर्कर्स, मॉडल MODEL लिविंग क्वार्टर्स QUARTERS क्वार्टर्स वर मेड फॉर वर्कर्स। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चीप करते गया, सस्ता करते गया, और लिविंग क्वार्टर्स, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बने, यानी कि जो रहने के क्वार्टर्स होते हैं जो वर्कर्स को दिए जाते थे, पहले उनकी हालत बहुत ख़राब रहती थी, उन्हें भी अच्छा करके दिया गया, मॉडल बना के दिया गया, मतलब उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाने लगा यहाँ से, ठीक है। तो ये काम इन्होंने आते ही किए स्टेटस ऑफ वर्कर्स में, अच्छी बात है। तो बहुत वर्कर्स, क्योंकि देखिए आप इसी लड़ाई पर आए थे, आप इसी लड़ाई पर आए थे कि वर्कर्स की हालत हमें सुधारनी है, तो उसे आपने सुधारने के लिए एक कदम बढ़ाया है। अब क्या होगा, अब एक नया लीडर रशिया में आएगा, एक ही टॉपिक रह गया क्या उनके लिए, स्टालिन, है ना भाई, जो बोल्शेविक्स थे अब उनका ही काल चल रहा था, उसमें एक नया लीडर आएगा स्टालिन, उसके बारे में हम लोग पार्ट नंबर 18 में पढ़ते हैं। फिर लगभग एक आध पार्ट और बनेगा, 2 पार्ट मान लीजिए मुश्किल से, और चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।